देखिए वो अन्नू दुबे का मामला हम लोगों ने देखा, ये वही दिल्ली पुलिस है जो कल तक अपने वर्दी का रोना रो रही थी, वकीलों से मार खा के चीख चीख के चिल्ला रही थी कि हमारी वर्दी दागदार हो गई और बड़े हम मारे गए पीटे गए, हम बड़े निरीह हैं, हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो गया, अन्याय हो गया। ये वही दिल्ली पुलिस है और इसको माफ कीजिएगा, कई लोगों ने बड़ा महिमामंडित भी किया टीवी पे कि भाई बड़ा अन्याय हो गया टीवी वालों के साथ। अब आप देखिए क्या कर रहे हैं पुलिस वाले। जेएनयू में शशि भूषण पांडे एक नेत्रहीन लड़के को बर्बरता पूर्वक दिल्ली पुलिस ने पीटा और आज एक बच्ची अन्नू दुबे जो प्रियंका रेड्डी के लिए न्याय की मांग कर रही थी उसको आप थाने में लेके जाते हो, थाने में उसके साथ बदतमीजी करते हो और उसकी उसके हाथ में नाखून चुभोए गए, उसके निशान पड़े हुए उस पर, उसको यातना दी गई वहां, यह दिल्ली पुलिस कर रही है। तो बलात्कार इनको रोकना नहीं, आपने बताया 55 साल की महिला के साथ बलात्कार की घटना, बलात्कार की घटना में वृद्धि, हत्या की घटना में वृद्धि, लूट की घटना में वृद्धि, डकैती की घटना में वृद्धि, गैंगवार की घटना में वृद्धि, 222 राउंड फायर एक महीने में दिल्ली की सड़कों पर होता है, 9 हत्या 24 घंटे में हो जाती है, लेकिन अमित शाह क्या कर रहे हैं, देश का गृहमंत्री क्या कर रहा है जिसके हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था है, आप पे पट्टी बांध के कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो, कोई चिंता नहीं आपको दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की, कोई चिंता नहीं दिल्ली का, दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कैसे होगी। तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही शर्मनाक है, आज जब से अमित शाह गृहमंत्री हुए हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, देश की राजधानी है दिल्ली, यहां अपराध तेजी के साथ बढ़, यहां वकीलों पर गोलियां चल रही हैं, जेएनयू के छात्रों को बर्बरता पूर्वक लाठियों से पीटा जा रहा है, विकलांगों को नेत्रहीनों को मारा जा रहा है और अभी आज ये अन्नू दुबे का मामला, तो ये बहुत ही शर्मनाक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अंत में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के श्रीमुख के द्वारा कहे गए कुछ वाक्य सुनाना आपको चाहता हूं। अब मोदी जी की बात देश की जनता माने, उन्होंने खुद कहा है कि जिन्होंने आपसे प्याज छीन लिया उनसे देश की सल्तनत छीन लेनी चाहिए। ये आप देखिए मोदी जी के वाक्य हैं, उनके मुंह से कहे गए शब्द हैं कि लॉकर में प्याज रखा जा रहा है। आज प्याज कहां रखा जा रहा है, आज मेहमानों को सुंघाया जा रहा है कि खिलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, भाजपा के लोगों को बताना चाहिए। और अगर यही हालत रही तो जो बात आपने कही है देश की सल्तनत आपसे छीन लेगी देश की जनता, देश की सरकारों को आपसे छीन लेगी देश की जनता अगर आप उनके थाली से मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में सोना कहे जाने वाले प्याज को छीनने का काम करेंगे। गरीब की थाली का सोना आप अगर छीन रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता भी आपको इसका जवाब देगी। तो प्याज पर मुझे यही बात कहनी थी, आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बता सकते। देखो अगर आरओ कंपनियों से दलाली खाने में रामविलास पासवान जी व्यस्त नहीं होते और प्याज के बारे में ध्यान देते तो आज प्याज के आंसू देश की जनता नहीं रो रही होती। जल मंत्रालय का काम राशन मंत्री कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आरओ कंपनियों का आरओ बिछवाना है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। उनको ध्यान देना चाहिए कि प्याज की कीमत कैसे कम होगी और वो पानी पे अभी भी लगे हुए हैं,
और पानी पे क्यों लगे हुए हैं ये पता चल चुका है। बगैर जांच के 100 लीटर पानी बता दिया, दीपक राय कहां से लिया उसकी जांच भी हो गई। दीपक राय नाम के व्यक्ति को जब हम लोग मिले, मीडिया वाले मिले, वो कह रहा हमारे पास तो कोई आया नहीं पानी लेने, तो जांच हुई नहीं, रिपोर्ट आ गई। और वही रिपोर्ट राशन मंत्री की, पासवान जी की, उसको सुप्रीम कोर्ट में रखती हैं आरओ कंपनियां। साहब राशन मंत्री ने कहा है अब तो पानी आरओ बेचने दो, सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज करके किनारे कूड़ेदान में फेंक दिया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब ध्यान इस बात का देना चाहिए उनको कि प्याज की कीमत कैसे कम होगी, और भाजपाइयों को मिलकर बताना चाहिए कि किसने कहां कितनी दलाली खाई है, जमाखोरी और कालाबाजारी करके तुमने देश की जनता को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया है। आज 150 रुपए किलो प्याज अगर बिक रही है हिंदुस्तान में तो ये सबके लिए चिंता का विषय है, और इस पे उनको जवाब देना चाहिए। पानी की नौटंकी है उनको बंद करनी चाहिए। हमने तो बताया 155,000 दिल्ली जल बोर्ड का सैंपल, 155,000 नौ महीने के अंदर, और उसमें 98% पानी सही पाया गया। हमारी भी छोड़ दो, हजारों की संख्या में सैंपल एमसीडी ने लिया दिल्ली के पानी का, उसने भी कहा 98% दिल्ली का पानी सही। एमसीडी की भी छोड़ दो, गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री, वो कह रहे 20 स्थानों से हमने पानी लिया और यूरोपीय मानकों से बेहतर दिल्ली का पानी। किसकी मानोगे, राशन मंत्री की जिन्होंने आरओ कंपनियों से दलाली खाई है? तो मुझे जरूरी नहीं लगता इस बात का जवाब देना। ये जो विषय है प्याज की बढ़ती कीमतों का, इसको लेकर आज देश की जनता प्याज के आंसू रो रही है। 130 रुपए किलो, 150 रुपए किलो तक लोगों को प्याज खरीदनी पड़ रही है इस देश में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। प्याज को लेकर हर साल ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों होती हैं? इसके लिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसान जब मंडी में अपनी प्याज बेचने के लिए जाता है तो उसको मिलता है 2-3 रुपए किलो। कालाबाजारी करने वाले लोग, जमाखोरी करने वाले लोग, वो प्याज 2-3 रुपए किलो में खरीदते हैं, उसकी जमाखोरी करते हैं, उसको स्टोर करके रख लेते हैं, और जब बाजार में प्याज की कमी हो जाती है तो उसको 100-150 रुपए किलो में बेचते हैं। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और जमाखोर, काला बाजार, बाजारी करने वाले लोगों का एक नेक्सस काम कर रहा है। केंद्र की सरकार का काला बाजारियों से क्या संबंध है, जमाखोरों से क्या संबंध है, ये भाजपा के लोगों को बताना चाहिए। आज तुम्हारी गलत नीतियों का खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस समय प्याज स्टोर करके रखना चाहिए तुम निर्यात करते हो, जिस समय प्याज की कमी की आशंका को देखते हुए प्याज आयात करना चाहिए उस समय प्याज आयात नहीं करते। मैं दिल्ली सरकार की बात बता रहा हूं। पहले नाफेड ने लिख के दिया कि साहब 15 रुपए किलो हमसे प्याज ले लीजिए, उसके बाद चिट्ठी लिख कर देते हैं रामविलास पासवान जी के मंत्रालय के द्वारा, केंद्र की भाजपा के सरकार के द्वारा लिख कर दिया जाता है हमसे 60 रुपए किलो में प्याज खरीदिए। 60 रुपए किलो में आपसे प्याज खरीदेंगे तो हम बेचेंगे कैसे उसको सस्ते दामों पे? तो इसलिए ये झूठ फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है चारों तरफ कि दिल्ली में प्याज हम नहीं ले रहे, प्याज हम नहीं ले रहे। भाजपाइयों बताओ, क्या 60 रुपए किलो प्याज खरीद कर हम 23 रुपए किलो में दे सकते हैं? नहीं। लेकिन हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया, जब तुम्हारी राज्य सरकारें भाजपा शासित राज्यों में
100 रुपए 150 रुपए किलो 120 रुपए 130 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। ऐसे समय में दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने 23 रुपए किलो घर घर प्याज पहुंचाने का काम दिल्ली में किया। तो हम तो लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं और तुम खून के आंसू रुलाने के लिए मजबूर कर रहे हो लोगों को। पूरे देश में मैं फिर दोहरा रहा हूं, आज जो प्याज की किल्लत पैदा हुई है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी काला बाजारियों और जमाखोरों का एक गठजोड़ है, एक नेक्सस है जो काम कर रहा है और जिसकी वजह से उन जमाखोरों ने प्याज स्टोर कर लिया, उसको उसकी जमाखोरी कर ली, उसकी कालाबाजारी कर ली। आज जब कमी हुई प्याज की तो और उसको 100 रुपए 150 रुपए किलो बाजार में बेच रहे हैं। तो मेरा पहला आरोप तो इस बात का है, भाजपा को और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी को बताना चाहिए कितनी दलाली और भ्रष्टाचार तुम लोगों ने किया है जिसकी वजह से आज देश की जनता को खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी बताओ कि आप 60 रुपए किलो हमको प्याज की उपलब्ध करा रहे हो, 15 रुपए किलो में जब नाफेड के द्वारा पहले आपने उपलब्ध कराई तो ये बीच में क्या चक्कर हो गया, कैसे आयात करके प्याज आप 60 रुपए किलो में हमको बेचने की बात कर रहे हो, इसमें क्या भ्रष्टाचार क्या दलाली खाई गई है। अचानक 2 दिन के बाद पत्र आता है कि अब 15 रुपए में नहीं 60 रुपए किलो में प्याज लो, अचानक 45 रुपए दाम बढ़ गया 2 दिन के अंदर, क्या घपला है क्या घोटाला है इसको बताना चाहिए।